वेलकम गाइस, फिर से एक बार जामिया आईटीआई एवएमबी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लुब्रिकेशन सिस्टम का मुख्य भाग जिसे ऑयल पंप कहते हैं उसका इंट्रोडक्शन, उसके प्रकार और उसकी वर्किंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के इस वीडियो में उसी लुब्रिकेशन सिस्टम का एक भाग जिसे हम ऑयल फिल्टर कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। ऑयल फिल्टर का परिचय, ऑयल फिल्टर के प्रकार और ऑयल फिल्टर की वर्किंग हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल जामिया आईटीआई एमएमबी पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑयल फिल्टर का इंट्रोडक्शन, परिचय। ऑयल फिल्टर किसे कहते हैं या ऑयल फिल्टर क्या है? तो सबसे पहले लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल फिल्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है जो ऑयल के अंदर आने वाले पार्टिकुलर्स, घान, कचरा, मिट्टी, धातु के कण, ये सब जो लुब्रिकेशन के घर्षण के कारण इंजन में उत्पन्न होते हैं, जो ऑयल के अंदर आ जाते हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर्स को फिल्टर करने का या ऑयल को फिल्टर करने का कार्य ऑयल फिल्टर द्वारा किया जाता है। तो ऑयल फिल्टर जो है एक युक्ति है जो ऑयल को फिल्ट्रेशन करने का कार्य करती है। अब इसमें जो है नेक्स्ट, ऑयल फिल्टर के प्रकार, ऑयल फिल्टर जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पेपर टाइप, और दूसरा होता है कार्ट्रिज टाइप। एक होता है पेपर टाइप, दूसरा होता है कार्ट्रिज टाइप। पेपर टाइप फिल्टर में जो है फिल्टर जो है एक कागज का बना होता है, एक पेपर का बना होता है जिसे जो है खोलकर चौकअप होने के बाद में उसको खोलकर सिर्फ उसके अंदर का फिल्टर जो है पेपर का फिल्टर बदला जा सकता है। और दूसरा जो है कार्ट्रिज टाइप, कार्ट्रिज टाइप फिल्टर जो होता है ये एक पतरे की बॉडी में एक असेंबल ऑयल फिल्टर होता है जिसे निकाल कर जो है डायरेक्ट रिप्लेस किया जाता है, यानी ऑयल फिल्टर खोलकर डायरेक्ट नया ऑयल फिल्टर लगा दिया जाता है। यानी पेपर टाइप ऑयल फिल्टर में उसकी बाउल, उसके बोल्ट कनेक्शन अलग हो गए और उसमें से पेपर टाइप ऑयल फिल्टर निकालकर फिल्टर को बदल देंगे और बॉडी वही यूज होगी। लेकिन कार्ट्रिज टाइप ऑयल फिल्टर में यहाँ पर जो है कार्ट्रिज वाला डायरेक्ट पुराना फिल्टर को खोलकर नया फिल्टर उसके अंदर फिट किया जाता है, इसलिए उसे कार्ट्रिज टाइप ऑयल फिल्टर कहा जाता है। अब इसमें जो है ऑयल फिल्टर की कार्य विधि किस प्रकार से कार्य करता है
जब ऑयल सब से ऑयल खींचकर ऑयल पंप आगे सप्लाई करता है तो मेन गैलरी में जाने से पहले ये ऑयल ऑयल फिल्टर में जाता है और उस ऑयल को फिल्ट्रेशन करके आगे सप्लाई करता है ताकि मेन लाइन जो है मेन गैलरी जो है चोकअप ना हो, जाम ना हो। अगर ये गैलरी जाम हो गई, अगर चोकअप हो गई तो ऑयल का सप्लाई पूरी तरह से इंजन में नहीं होगा और इंजन में ऑयल का सप्लाई नहीं होगा तो सही प्रकार से लुब्रिकेशन इंजन में नहीं होगा और अगर इंजन में लुब्रिकेशन नहीं होगा तो इंजन के चलने वाले पार्ट्स एक दूसरे के बीच में जाम हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ये ऑयल को साफ करके भेजने का कार्य इस ऑयल फिल्टर द्वारा किया जाता है। तो जो है उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा।